प्लीज जूस तो पी लो, किचन में तो नहीं जाओ। मामा आप समझाएं ना इसे, ना ही कल से कुछ खा रही हूँ ना ही पी रही है। बेटा बस चुप हो जाओ, थोड़ा सा जूस पी लो, तुमने कल से कुछ खाया पिया नहीं है। चाची मेरा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर। मेरी जान अगर इस तरह रोती रहोगी तो भाईजान वापस तो नहीं आ जाएंगे। भाईजान के जाने का सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं है बेटा, हमें भी लग रहा है कि सर पे से किसी बड़े का साया चला गया। और फिर खाना पीना छोड़ने से भाईजान वापस तो नहीं आ जाएंगे। खुद को संभालो बेटा। गिंजा बेटा तुम इसको लेके जाओ, अंदर जाके लेटा दो, रो रो के हलकान हो गई ये बच्ची। मामा अंदर तो सारे रूम्स बिजी हैं, को पता मेहमान आए हुए हैं और आपके कमरे में भी पापा के कजन्स बैठे हुए। हाँ कह तो तुम सही रही हो, चारों तरफ मेहमान ही है। तुम ऐसा करो इसे नोमान के कमरे में ले जाओ, वो है भी कोने में, वहां आराम से सो जाएगी ये। वहां नोमान का कमरा, वहां तो वो फाइजा है। उसको छोड़ो, तुम जो मैंने कहा है वो करो, ले जाओ इसको वहां। नहीं नहीं चाची, किंजा ठीक कह रही है, मैं नोमान के कमरे में कैसे रह सकती हूँ, उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। ये नोमान की बीवी का घर नहीं है और ना ही उसकी इतनी हैसियत है कि मैं उसके अच्छे बुरा लगने की परवाह करूं। जब तक घर में मेहमान है तुम वहीं पे रहोगी, समझी? किसी की तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। जाओ बेटा, शाबाश, इसको ले जाओ। I keep.